जो इस ये जो बीमारी है जिसको हम कामल कहते हैं, बहुत से बच्चे इसमें मुबतला हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं। अब हम हुकाम से गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ का जो पानी है ये पीने के लायक नहीं है, ये बहुत गंदा पानी है। अब हम यही गुजारिश करते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारा जो ये पानी है ये ऐसा होना चाहिए कि हम पी सकते हैं, ये पीने के काबिल होना चाहिए। सोच गुजारिश ये कि आप सठा गंदे यही कस्बे यार पे ताकि कलर तान कलर पालपुर तान कल यह सठा इन्वालव डाइपरों सेशाब नालों स सोरे मचु वो अत बन अमच त्रेश ये जो ही हमारी एक चीज जो हमारी कंसर्न FMPHW जो हमारी हेल्थ टीम है उस साइड से उन्होंने हमें आज से 10-12 दिन पहले इंटीमेट किया था और हमने उसी टाइम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की कंप्राइजिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स एंड हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर्स एंड द कंसर्न हेल्थ टीम उस एरिया से वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे ऑन स्पॉट हेल्थ एजुकेशन दी। उन्होंने वहाँ पे ऑन स्पॉट डोर टू डोर पेशेंट्स को जो भी इन्फेक्टेड थे उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको गाइड किया वॉट एवर इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी डन रिगार्डिंग दैट डिजीज, वो सारा कुछ उन्होंने वहाँ पे किया। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हेपेटाइटिस एक्चुअली इज मेनली वाटर बॉर्न डिजीज, तो हमने सैम्पल्स फ्रॉम वेरियस वाटर सोर्सेज फ्राम दैट एरिया इन एंड अराउंड दरभंगा विच इंक्लूड्स दरभंगा सीधीनाथ एंड कस्बा यार, तो उसका रिपोर्ट भी आ गया है। तो वो लास्ट वीक ही हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है वहाँ पे हमने कंप्रहेंसिव रिपोर्ट वहाँ पे जो हमने वहाँ पे भेजा है उसमें वाटर जो है दैट इज़ टोटली अनसस्पेक्टेड।